हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम धृति गार्डे है और मैं एक फाइनल ईयर की डेंटल स्टूडेंट हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, विच इज़ द थर्ड वेव ऑफ कोरोना। इस वेव में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए प्लीज़ माय फर्स्ट रिक्वेस्ट, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सिर्फ किसी काम के लिए ही बाहर निकलिए। जैसे क्राइम पेट्रोल में कहते रहते हैं वो कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वैसे ही आप भी प्लीज़ घर पे रहिए, सावधान सतर्क रहिए, खुद का ध्यान रखिए और सिर्फ कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर के बाहर निकलिए। आज का मेरा वीडियो, कोविड की वजह से आपके मुंह में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं और आप खुद को कैसे बचा सकते हो इन सबसे, इस बात पर बेस्ड है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि कोविड की वजह से आपके मुंह में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। इस पर मैंने पहले भी बात की है, तो ये वीडियो का लिंक है, आप इसे एक बार देख सकते हैं, बट मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कोविड की वजह से आपको दिख सकता है कि आपके मुंह में अल्सर्स आ रहे हैं, आपके मुंह में पट्टे दिख रहे हैं, वाइट, रेड, अलग अलग करके येल्लो, किसी के मुंह में ब्राउन। तो अगर ऐसे कुछ आपको आपके मुंह में दिख रहा है तो आप डरिए मत, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। सेकेंड वेव में ब्लैक फंगस के बहुत केसेस देखे गए थे, इसकी वजह से आजकल हर किसी को इसी बात का डर है कि कहीं मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए। लेकिन ये म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तभी, क्योंकि लोग सतर्क नहीं थे, लोग अपने कैविटी का खुद ध्यान नहीं रख रहे थे, वो बॉडी का ध्यान रख रहे थे लेकिन मुंह भूल जाते थे पता नहीं क्यों। तो अभी आप खुद का ध्यान रखिए, आप अपने मुंह का ध्यान रखिए, आप अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए और आप अपने डेंटिस्ट के पास कोविड होते ही, अभी सपोज आपने 7 दिन क्वारंटीन किया है और 7 दिन आप रेस्ट कीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके लिए सेफ नहीं है बाहर के एनवायरनमेंट में जाना। सो इसलिए 14 दिनों बाद एक बार एक डेंटिस्ट के पास जाइए, एक प्रॉपर डेंटल चेकअप करवा लीजिए और एक फिजिशियन के पास जाके एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, ताकि आपको पता चले कोविड की वजह से आपके बॉडी में कुछ नए चेंजेस तो नहीं हुए हैं ना, जो परमानेंट हो और जो आपके लाइफ को आगे जाके थ्रेटन कर सके। सो जैसे ब्लैक फंगस के बारे में मैं बात करती हूँ, ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है, और ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ओरल कैविटी में पहले कुछ नहीं देखा जाता। आपके मुंह में अगर आपको ये बात नोटिस हो रही है कि आपके जो गम्स है या आपके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या वो आप ब्रश करते हो वहाँ से खून निकलता है, वो हमेशा सूजे हुए रहते हैं, ऑल ऑफ दिस कैन बी एन इंडिकेशन कि आपको डायबिटीज़ है। सो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे आप पे बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है और आपने एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक ऑलरेडी हो और आपको कोविड होके गया है तो आपने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने शुगर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कीजिए, डू नॉट लेट इट शूट अप, बिल्कुल भी नहीं, शुगर आपकी हाई नहीं जानी चाहिए, और आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए प्लीज़, हम आपकी मदद करने ही है यहाँ पे। बट आई जेन्युइनली बिलीव प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई चीज़ को हम रोक सकते हैं तो उसे हम सुलझाने की क्यों मतलब टेंशन ही ले, बेटर विल जस्ट प्रिवेंट इट। सो मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताती हूँ जो हम सब जानते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाए गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े होते होते लोग फॉलो करना भूल जाते हैं। सो लेट्स गेट इन टू देम। पहला सबसे बेसिक रूल है कि आपको 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले। ये बात सबको पता है लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, सो मैक्सिमम टाइम हमें पता चलता है कि लोग एक ही बार ब्रश कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 इज मिनिमम। सो आप 2 बार ब्रश कीजिए विथ अ गुड ब्रश एंड अ गुड फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने ब्रश को हर 3 महीने चेंज करना चाहिए। आई थिंक ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हम जब तक टिक रहा है तब तक टिकाते रहते हैं, लेकिन
आपके ब्रश के जो ब्रिस्टल्स है वो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो वेयर ऑफ हो जा रहे हैं, वो खराब हो जा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना इस ब्रश को यूज करने का। सो आप तब तक मत रुकिए कि आपका ब्रश टूट जाए या 2-3 टुकड़ों में हो जाए फिर आप नया ब्रश लाएंगे। हर 3 महीने कीप चेंजिंग योर ब्रश, बिकॉज वो ब्रश में भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। एंड हम नहीं चाह हम ब्रश कर रहे हैं टू मेक आर माउथ मोर क्लीन, नॉट टू गिव अ फ्री एंट्री कि आ जाओ बैक्टीरिया में को इन्वेड कर लो, नॉट दैट वे। इसलिए पहला रूल है ब्रश ट्वाइस अ डे, दूसरा रूल है कीप चेंज योर ब्रश एवरी 3 मंथ्स। अभी हम आई विल लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस कि एवरी टाइम आप जब भी कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको अपने मुंह को रिंस करना चाहिए। स्पेशली कोविड में जब आप क्वारंटीन होगे एक रूम में, तो प्रॉब्ली आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आप एक पॉइंट बनाइए कि आप हर टाइम कुछ खाते हो तो आप एक बार जाके रिंस कर लो, ताकि जो आपके दांत के बीचों में खाना अटका हुआ रह गया है, जो आपको इरिटेट कर रहा है, वो पहले निकल जाए और आपका मुंह थोड़ा क्लीन हो जाए। और दूसरा, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कोविड के बाद कि उनके मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है, जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं या बैड ब्रेथ। तो इसके लिए अगर आप रिंसिंग करोगे, पानी से ही काफ़ी चीज़ें क्लीन हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे माउथ वॉशेस हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो आप वेदर कोविड हो या ना हो, आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में कि आप हर बार खाओगे तो आप रिंस करोगे, और हो सके तो आप दिन में 2 बार माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज इससे हम अपने ही स्माइल को बेटर कर रहे हैं और आपकी आपका मुंह विल बी गुड स्मेलिंग, सो एवरीबडी अराउंड यू विल ऑल्सो लाइक यू। सो डू दिस आप। सो व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टिल नाउ, कि वी विल ब्रश ट्वाइस अ डे, वी विल रिंस आवर माउथ, वी विल मेक श्योर वी चेंज आवर ब्रश एवरी 3 मंथ्स, एंड ऑल्सो वी विल यूज माउथ वॉशेस। नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल इज कि जब आप लोगों के मुंह में कुछ अटक जाता है और आप रिंसिंग की आपको आदत नहीं होती, या आप रिंस कर भी लो तो कुछ तो अटका हुआ है और आपको फील हो रहा है वो, तो आप क्या करोगे, आपके आसपास कोई भी ऐसी नुकीली सी चीज़ या कोई भी ऐसी शार्प चीज़ लेके उसको निकालने की कोशिश करोगे, या फिर फॉर दैट मैटर इवन टूथपिक को यूज़ करके निकालने की कोशिश करोगे। ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली अब्रेसिव, जिसका मतलब है ये आपके दांतों को और आपके मसूड़ों को यानी आपके गम्स को तकलीफ दे रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा और इजी उपाय है जो आपको अपने नॉर्मल फार्मेसी शॉप पे मिल जाएगा, जिन्हें इंटरडेंटल ब्रशेस और फ्लॉस कहते हैं। सो आपको आदत लगानी है कि आप एक इंटरडेंटल ब्रश खरीदें। इसको इसका ये मतलब नहीं उस पर टूथपेस्ट लगा के आपको ब्रश करना है, बट जैसे आप इसे वीडियो इस सॉरी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इट इज़ अ वेरी इजी ब्रश, एंड ये आपके दांतों के बीच में एकदम सॉफ्टली जाएगा एंड इट विल रिमूव एवरीथिंग। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लॉसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। आप फ्लॉस का एक टुकड़ा लीजिए, होल्ड इट बिटवीन योर 2 हैंड्स, एंड देन जस्ट उसको अपने 2 दांतों के बीच में सॉफ्टली डालिए एंड जस्ट सॉफ्टली यूज कीजिए। सो इससे क्या होगा, आप अपने दांतों का और अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप कैविटीज होने से प्रिवेंट हो जाएगी। अगर आपके मुंह कैविटी यानी अगर आपके दांत कीड़े नहीं रहे, तो आगे का कोई और प्रॉब्लम आना इज वेरी रेयर। और आप जितना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करेंगे, उतना आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग दीज फंगल बैक्टीरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे। अगर आप डायबिटिक है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप हायर रिस्क पे है फॉर अ लॉट ऑफ डिजीज, तो आप और ध्यान रखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप आराम से बैठे रहे। प्लीज अपने मुंह का उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने बॉडी का रखते हैं। चाहे कोविड हो या कोविड ना हो, योर माउथ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओरल कैविटी। और पता नहीं हम ऐसे क्यों करते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है तो हम इस तरफ से खाने लगेंगे। क्यों? जस्ट एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, हम आपकी मदद करनी ही तो है। सो आपके पास इतने सारे तरीके हैं जिससे आप अपने खुद के ओरल हाइजीन को बेटर रख सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो पोस्ट कोविड जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कैंडिडियासिस हो या म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो या येलो फंगस हो या जितने आपको ये स्क्रीन पे सारे डरावने डरावने फोटोज दिख रहे हैं, इन सब के बेसिक रीजंस है कि वो जो फंगल स्पोर होता है वो आपके बॉडी में एंटर करता है थ्रू योर नोज और योर माउथ। तो ये स्पोर्स कहाँ होते हैं?
ये जनरली उन एरियाज में होते हैं जहाँ ज़्यादा धूल होती है, जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ बहुत सारा कचरा कूड़ा पड़ा होता है। सो जब भी आप घर के बाहर निकले, आप मास्क पहन के निकलिए। सो दिस इज, ऐसे मत सोचिए कि अभी तो मुझे कोविड होके गया है तो अब मुझे वापस कुछ नहीं हो सकता, तो आप मास्क पहनना बंद कर दीजिए, या मैंने वैक्सीन ले लिया तो आप मास्क पहनना बंद कर दीजिए। मास्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने अंदर ये सारे फंगल स्पोर्स को जाने से ही यू गिव इट अ बैरियर, एक प्रॉपर बैरियर बन जाता है। उसकी वजह से यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑल्सो आपके फिजिशियन आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन्स देंगे, प्लीज़ उन्हें लीजिए बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है। आपकी कोविड में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, सो वी नीड टू बिल्ड इट अप बैक। और ऐसे नहीं होगा कि वो एक दिन में हो जाएगी, आपने एक, आपको ऐसे लगेगा कि आपको इतनी सारी दवाइयाँ क्यों दी जा रही है या ऐसे कुछ, बट ये आपके लिए ज़रूरी है। हम धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी वापस बनाएंगे एंड वी कैन ईजिली डू इट। बेसिकली आपको खुद का ध्यान रखना है और अपने घर वालों का ध्यान रखना है, और अगर आपने उतना किया तो आप भी सेफ रहेंगे और आपके घर वाले भी। सेकेंड वेव में मैंने बहुत सारे म्यूकोर के केसेस देखे हैं, मैंने खुद काफ़ी केसेस में असिस्ट किया है, और मुझे इतना बुरा लगता था जब मुझे उन फैमिलीज को देखना पड़ता था, पूरे फैमिली सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डेडली डिजीज़। मतलब इतने मेहनत से आप कोविड से बचे और फिर आपको ये हो गया, एंड उसमें उसके ट्रीटमेंट बहुत अग्रेसिव है। सो आपका लिटरली एक पार्ट निकल जाता है आपके, इमेजिन आपका जॉ का एक पार्ट निकल जाता है। ऑफ कोर्स अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी से हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं ये वो, बट इतने सब में क्यों पड़ना है जब आप प्रिवेंट कर सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, बिकॉज सिर्फ आपको तकलीफ नहीं होगी, आपके पूरे फैमिली को तकलीफ होगी। एंड जो बहुत सारे पेशेंट्स थैंक गॉड टचवुड बच गए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी जान इस डिजीज की वजह से गवाई है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस या सारे फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, और पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते, बिकॉज हम अपनों का जितना हम रह नहीं सकते। लाइक आजकल हम सब स्मॉल फैमिलीज में जीते हैं, एंड अगर अपने फैमिली का कोई जाता है तो हमें पता चलता है हाउ सीरियस इट इज़, हाउ सिवियर द सिचुएशन इज़। सो मेरा बस यही कहना है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए ताकि हमें भी किसी और फैमिली को ब्रेक होते हुए ना देखना पड़े। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा एक ही मैसेज है इस वीडियो से कि प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप खुद का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे जो ये सारी बातें उतनी फॉलो नहीं करते होंगे बिकॉज अभी वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, बिकॉज हम सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है और एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ना है, और इस थर्ड वेव को भी पीछे छोड़ देना है। अभी हम पैंडेमिक के एंड की तरफ आ चुके हैं, तो अभी अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। क्राइम पेट्रोल अगेन, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और सारे प्रिकॉशंस जो मैंने मेंशन किए हैं वो आप लीजिए। इवन आफ्टर कोविड, 2-3 सालों बाद भी ये सब भूल मत जाना, ये सब करते रहिए। एंड मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ इस चैनल पे डेफिनेटली वापस आते रहूँगी, और अगर मेरे इस वीडियो से अगर आपने एक भी चीज़ सीखी हो तो प्लीज़ एक लाइक लीव कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल बी अ रियली गुड बूस्टर फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज़। थैंक यू।